विराजमान गुरु रूप प्यारी सत संगत जी हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आया दूर जय की मैं तकी तो शिवराई जी मैं आस्था रखी जित मैं मेरे सब दुख आए जी। कदों सारे दुख मिट जाते हैं संताप मिट जाते हैं चिंता मुक्त हो जाता बंदा। मैं आया दूरों चल के दूरों चल तो आन तो मुराद है पता नहीं किन्ने जन्मा तो मैं पटक के केड़िया टेड़िया मेरिया जोलना तो निकल के हूँ मैनू ही मनुखा जीवन मिले है तो फिर तेरा द्वारा मिल गया है। यो दर है जिस दर ते आके उस घर की सूझी आती है सो दर तेरा किया सो कर किया जित पै सर्व सवाल जिथे बैठ के सारे निशान संभालता गया है। जो सानू इस दर ते क्योंकि कोई भी घर डर तो बिना नहीं मिलता किसी घर में प्रवेश लेना हो पहले दर ते आना पैदा दर में प्रवेश दर ते अंदर आवेंगे तो ही घर पहुँचा ना। इसलिए सत्संग जी बेनती की है मैं आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाई जी मैं आस्था रखी चित मैं मेरे सब दुख गवाए जी। मैं चित अपने हिरदे एको ही आस रखी है तो गुरु पातशाह पंचम पातशाह गुरबाणी के अंदर फरमान करते हैं एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटी है जब की आसा। उसने दुख दरिद्र की गल छड़ दो वह भी दसना की घर है वो दुख दर्द सारी चिंतावान तो मुक्त हो जाता है क्योंकि उसकी जमा की दवाई मुक जाती है कट जाती है जदों कोई एक यकीन विश्वास भरोसा निश्चय बना लेता है। वाहेगुरु रहमत करे साडा भी विश्वास एक ते बने तो सानू भी अरदास करन दी जिहड़ी है जुगत आ जाए युक्ति आ जाए समझ आ जाए कि असी इस दर ते आंदे हाँ तो असी अरदास करनी कि है असी अरदास विच मंगना की है। सारा जगत भिखारी है सारे मंग रहे हैं तो मंगण तो उस वाहेगुरु ने मना भी नहीं की है कि तुम ना मंगो मंगो पर असल में सारे जीवन ये समझ आए कि मंगना की सी जिहड़ा तोड़ ना निप सके योजे भी कुछ मंग लीए क्योंकि जिन्ना दुनियावी पदार्थ और जिन्हें अशुष्टता के साधन ने और जिन्हें साग संबंध ने जितनी दुनियावी रिश्तेदारियां ने दोस्तियां ने वो सारिया कोई साथ निभण वाली नहीं ने केवल तो केवल इको एक रब जी का नाम जिहड़ा है वो साढ़े नाल जाना है उही साढ़े उस राह का सफर का जो खर्चा है राहदारी है तो जे वो नहीं होगी तो फिर साड़ी कौन मदद इमदाद कौन करेगा कोई भी नहीं करेगा ना। फिर एक पैर एक तोखला एक चिंता बनी रहेगी तो जे नाम धन पल्ले होगा तो फिर जिमें आप सफर करते हैं बायचांस टिकट ना हो कि अंदर किसी को डर लगे रहेगा ना भी जे आ गया चेकिंग हो गई तो की बनेगा। तो सास समझ जो उत्थे तो हो सकता है एक बार टी टी वगैरह ना भी आवे चक्कर ना भी आवे पर राहदारी तो टिकट तो बहुत जरूरी है उत्थे तो होनी होनी है परख तो वो जे नहीं होगी साढ़े को नाम धन पल्ले नहीं होगा राहदारी नहीं होगी वह खर्चा पल्ले नहीं होगा तो फिर उस मालिक के दरगाह पर किमें जावे कि मुँह लैके जावे ना गुरबाणी जी भी आख्या कि मुँह लैके जाएगा तो सारा कुछ दुनियावी मंगते रहे मिलता रहा उस इस तरह खचित हो गए तो वो जिड़िया रब दिखा दात सन ना वो दात कुड़त्तन में बदल जाए जो सानू नाल उस वाहिगुरु का शुकराना तो उस मालिक का नाम याद ना रहे ना वो सारा कुछ कुड़त्तन में बदल जाता है। मैं सुन रही थी छोटी जी गल आप जी साझी कर रहा हाँ किसी पिंड ना पानी की कोई व्यवस्था नहीं सी व्यवस्था नहीं सी तो उत्थे ते एक सेठ ने तनाल पुरुष ने सोचा भी ये भी बड़ा पुण का काम है मैं इन वास्ते एक खूह कटवा देना है ना खूह कटवा देना तो खूह की खुदाई हुई 16 निर्मल पवित्र जल निकलिया सारे लोगों देर देर ठंड हुई कि बड़ा भला वाला पुण वाला काम किया पर होया कि उस विच की होया असल विच कहिंदे ने उत्थे थोड़े दिन बाद सारे लोग खुश सारे सारे पिंड के लोग खुश सन भी इतना सोहना पन जल का साडा प्रबंध हो गया बड़ी दूर दूर जाना पैंदा सी पानी लैण वास्ते ते निर्मल शीतल जल मिलन लग गया अपने नेड़े। तो हुण अचनचेत एक दिन कुछ बच्चे खूह के किनारे नेड़े जो खेड रहे सन एक किसी
किसी बंदे की एक छोटी बच्ची जिहड़ी है वह खूह च डिग जाती है, तो खूह में डिग के बचण की तो कोई आस होंगी नहीं ना, है ना। वो रब बचा लवे तो गल वक्री है। तो कहते हैं वह खत्म हो गई वह बच्ची अंदर, तो सारे वो जे पिंड वाले इन्हें तो कि जिसकी बच्ची सी वह कहते हैं जी सारा कसूर तेरा है, जे तू खूह ना खुदवादा तो मेरी बच्ची की मौत ना होती। हम उसने ये थोड़ी किया कि तुम बच्चों उत्ते खूह के किनारे खेडन भेज देना, है ना। ये तो ध्यान रखना अपना काम से ना, उसका काम से ना। हम आप करते हैं इस तरह उस वाहेगुरु जी को बहुत कुछ मंगते हाँ, मंगते हाँ फिर मिल जाता है, मिल जाता है फिर उस इस कदर गलतान हो जाते हैं, फिर जो कुछ नहीं मिलता उसका तो उलाणा देंदे ही देंगे हाँ। उसका तो हर वेले सू शिकवा है ही है, तो मिले हुए दातों बच्चों भी जेकर कोई ऐसा रिश्ता कोई ऐसा संबंध कोई ऐसा कुछ जो उसके कुछ ऐसा हो जाए फिर भी आप रब जी को दोष दें, फिर भी रब जी को दोष दें। तो सत्संग जी ये नहीं कि वह जो चीज़ा रब ने दिखाई ने जो बख्शिशा कीतिया ने उसू सुचा बनाने के थोड़ा उदम करना पवेगा ना, मेहनत करनी पवेगी ना, वो आप ख्याल नहीं करते। तो उस दाते की दिखाई हुई दातों तो असं विसार दें पर उस तो शिकायतों तो बाज नहीं आते। तो जिन्ना बंदा यकीनन जिन्ना उस रब जी नाल या घर परिवार रेंदे हुए समाज में रेंदे हुए विचरण करते हुए जितनिया आप शिकायत करते हैं ना उतने यकीनन दुखी रहते हैं, तो जिन्ना शुकराना करते हैं ना उतना आप सुखी हो जाते हैं। अजमा के देख रही है ना, कदम भी अजमा के घर परिवार हमेशा साढ़े मन में यह रहता है कि मेरी पात्रता मेरी योग्यता ज़्यादा से मैं मिलिया घट है, हमेशा ये साढ़े मन में मलाल रहा है या फिर साढ़ा अहंकार रहा है, दो ही चीज़ा ने, या तो मलाल रहा है या फिर ये कहने कि साढ़ा अहंकार बोलता है कुछ मिल गया तभी मेरी किस्मत चंकी सी या मैं इतने चंगे कम किए या मैं इन्ना पाठ किया तभी है ना। गुरबाणी आखती है तव किरपा ते सुख पाया, तेरी कृपा सदके सुख मिलते हैं, एको एक तुर आया सारे देन वाला वो दाता है ना। तो फिर असं दाता प्राप्त करके दातार पिता विसार दें, तो गुरबाणी आखती है उस दातार पिता विसारण ना ही दुख हादसे मिलते हैं, पर सानू समझ नहीं आती फिर उसका दोष भी आप किसी होर दे दें, है ना। दद्दे दोष ना दे किसी दोष करमा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिए अवरजना। गुरबाणी सानू हर चीज का खुलासा करके दस रही है पर आप उसको समझने का यतन नहीं करते, साडा अहंकार बहुत मतलब उच्चा है ना। इसलिए गुरबाणी में आप कहते हैं ना मंगते हैं कितना दिल ना मंगते हैं उतना कुछ तो मिल जाता है ना। सिखा का मन नीवा मन दूजी, तो जो इस उल्ट हो जाता है फिर की होंगे अहंकार मन चुप लेंदा है, तो मत जी सोचने वाली जी बुद्धि से उसको सही सूझता ही नहीं कुछ, उस सही सोचती ही नहीं, वह फिर उल्ट पास चल पाती है उल्ट दिशा वाल, हूँ रस्ता ही गलत चुन लिया तो मंजिल की मिलनी है ना। जे लंबा रस्ता है टेढ़ा रस्ता है औखा रस्ता है पर जेकर सही चुनिया है सही चुनिया है तो फिर वह कामयाबी की मंजिल मिल जाएगी। रस्ता गलत अपना लिया तो फिर दशा दिशा गलत तो दशा बिगड़ेगी बिगड़ेगी। इसलिए आप इस धरते आके जो भी अरदास करनी है इसलिए फिर सूझवान जो अंदरों भावना जिन्हें बन जाते हैं वह कहते वाहेगुरु जी वो कम कराना जो तुम पावन वो कम ना कराना, मैं तो अनजान हाँ अलभग हाँ मैं की समझ है मेरे लिए की लाहेमंद है मैं की अक्ल है इस गल की, इतनी सोझी थोड़ी है सानू पर असं बनते हैं सियाने है ना। तो गुरबाणी आती सह सियाणप अलग हो एक न चले ना तेरे को जाना है सियाणप चला के आन एक नाल नहीं जाने उत्ते कम नहीं आने इतने तू चौधर उस में तेन मिल जाएगी सियाणप नाल पर उस मालक की दरगाह की देख भोले पाओ मिले रुड़ा है जो भोले पाओ दे ना जाएगा भी मैनू नहीं समझ है वाहेगुरु जी जो मेरे लिए ठीक है तुम वह दे देना जो मेरे नहीं ठीक है नहीं लाएमंद है वह मालक मैं दे ही ना। इस तरह आपने अपने विचार को इस तरह बनाना पवेगा तब ही गल बनेगी। तो सब जो समझ आ जाएगी ना क्योंकि सब कुछ होना उसकी रजा में है उस तो इधरों इधर कोई आकी बाकी हो नहीं सकता। बेशक आप अपना जताते हाँ भाई इंज क्यों हो गया तो इंज रब्बा तो इंज ना कर तो इंज क्यों किया तो इंज वो साड़ी मसलत सलाह थोड़ी लै रहे हैं साढ़े को भी असी रब ने की करना है तो किमें करना है उसकी रजा है उसकी मर्जी है वो जिमें करे
क्योंकि उस सुक्या नूं हरा करन विच उहनूं देर नहीं लगदी ते हरे नूं सुक्का करन विच भी देर नहीं लगदी। रीते परे कर दिंदा, परे सकणे कर दिंदा। ते इस लई उस वाहिगुरु दी रजा विच राजी रहना ही पहली शर्त है सचियार होण दी। ते जदों सानूं इह समझ आ जावेगी फिर आपां उस वाहिगुरु दी रजा विच राजी रह सकांगे। ते नाल ही सानूं मंगणा भी इह कुछ आ जाएगा, वाहिगुरु जी तुसीं कृपा करो, तुसीं मेरे पुत ते तुसीं आप हथ रखो, है ना। मैं मेरी समर्थता इतनी नहीं है, मैं सही सोच सकां, मैं सही कर सकां, मैं सही चल सकां, मैनूं आप कृपा करके उस पासे टोरो जो रस्ता मेरे लिए ठीक है। इस तरह की आप अरदासा करनी ने। अरदास दर्शन रूप अभ्यास पुस्तक आप पढ़ रहे हैं डॉक्टर जसवंत सिंह नेगी जी की, जिस विच हुण चल रहा है कि वंड के चक्या। सब तो पहले इस विच सच्ची सुची किरत की गल की है, नाम जपण की गल की है। सच्ची सुची किरत होगी, उस नाम की कमाई होगी, ता ही जाके वंड के चक्या जिहड़ा है वह सफल होगा। पाप की कमाई के नाल जिन्ना मर्जी वंड के चक लो, ना लैण वाले का भला ना वंडण वाले का भला। इसलिए जिन कहते ना पाप की कमाई से जो नमत करना, क्योंकि नाल नहीं ना जानी है। तो फिर जो कुछ आप वंड रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अकली की चैतान में क्या गुरबाणी के अंदर आप गल विचार कर रहे थे, अज बड़ा सुंदर प्रमाण दे के समझाया, आप उसके विचार कर लेते हैं। जदों बाबा नानक जी की निरंकार नाल गोष्ठ हुई कि आप गल विचार कर रहे थे पूरा कर लीए, तो बाबे को आदेश होया तू नानक है तेरा पंथ चलेगा, त्रै वस्तु दृढ़ाउनिया अपने पंथ को, नाम दान ते इशलान। तीन वस्तुआं दृढ़ करानिया अपने पंथ नो, पंथ चलेगा तेरे नाम ते, ते चलिया भी है, सिख पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक पातशाह हन। ते उसके नाल नाम दान ते इशलान ग्रस्त विच अलेप रहना, जिवें कमल के फुल दे नाल तुलना की है ना, कमल के फुल दे नाल कमल कीचड़ विच उगदा है, पर उस वो किवें उसका उसकी सुंदरता वेख लो, उसकी कोमलता वेख लो, उसका निर्लेप भाव वेख लो, वह किचड़ विच है फिर भी इन्ना खिड़िया हुआ सोहना गुलाब दे साडे भारत विच ते वह विशेष फुल मनिया गया। तो इसलिए कहते उस तरह तो निर्लेप रहना है, ग्रस्त विच रहिंदे हुए निर्लेप भावना रहना है। दूजी गल संयम रखना है, काल कमाई खानी है, मेहनत की कमाई खानी है, तो वंड के छकना है। मेरे अर्थ देना, हुण सासन ने मेरे अर्थ देना रब जी गुरु नानक पातशाह नूं कह रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी गुरु नानक पातशाह नूं कह रहे ने मेरे अर्थ देना। भी किधरे भी ये मत कहना कि भाई मैं दान किया है, मेरे अर्थ देना। जिवें कई कोलकां ते तुसीं पढ़िया होवेगा लिखिया होंदा है कि जो गरीब का मुख गुरु नानक दी कोलक, है ना। इसलिए फिर ये नहीं सोचना। तो कहिंदे ने दसवंत जिहड़ा है उसदे ते बंदे का अपना हक ही नहीं है, वह तो है ही गुरु का। नहीं तो फिर कहते हैं नौ जिहड़े हिस्से ने ना वह सारे सार्थक हो जाते हैं जेकर वह दसवां हिस्सा जिहड़ा है चंगे कार्यां लई परोपकार दे कार्यां लई गुरु घर विच होर सेवावां वाले चित लगते ने ना, बाकी सारा जिहड़ा है वह फिर माड़े पासे नहीं लगता। इसलिए समझाना किया कि इस तरह मेरे अर्थ देना जाए अपनिया सेवकों किरत दृढ़ करावनी, मेरे नाम बिना और विचार नहीं करना, यूं गुरु बाबे नूं जाप जपाउण दे नाल नाल किरत दृढ़ाउण दा इलाही आदेश भी होया। काल कमा के हथों देना ही गुरमत दा राह पछाणना है, धर्म की कमाई नूं परमात्मा दी दात समझना है, अपनी मेहनत का सिट्टा नहीं। हुण इत्थे सासन जो इत्थे क्या है कि अपनी मेहनत का सिट्टा ना समझ लेना, भी मैं मेहनत की इस करके मैं ये दान कर सकिया, मैं मेहनत की मैं ये सेवा कर सकिया, मैं मेहनत की मेरी कोठी बन गई, मैं मेहनत की मेरी इन्नी वी मैं वो कार ले ली पुरानी, मैं तो नाम ही नहीं आते कारा दे। पर मतलब कहने तो मुराद ये गुमान ना रखना, यह सिट्टा ना हो कि मैं मेहनत की होया तो कृपा से सुख पाया। गुरबाणी आखदी है मेहनत मजदूर भी बड़ी करता है, है ना। दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए तो शुक्र है ना। मेहनत करके नहीं, तेरी कृपा सदके सुख मिलते हैं। मेहनत तो बहुत दुनिया करती है, सब की मेहनत भी सफल नहीं हो जाती, तो मेहनत करने का बल तो उदम भी वह रब जी बख्शते हैं। तू निरोगी ना हो, तू मेहनत करन जोगा भी ना हो, तो कितों मेहनत कर लवेगा। तो इसलिए उस मालक का हर हाल शुकराना करना है। तो स्पष्ट किया इतने कि उस परमात्मा ने गुरु नानक पातशाह को आख्या कि काल कमा के हथों देना ही गुरमत का राह पछाणना है, धर्म की कमाई को परमात्मा की दात समझना है,
अपनी निंदा सिद्धा नहीं समझना। जब ये दात परमात्मा दी ही है ता इस ऊपर सारे सांझी वालिया का हक है। जे मिली ही दाते कुल है वो दाता मिलिया ही दाते कुल ने उस विच असी दान करने योगी कितों हो गए। जे वो दाता दत्त बख्शे ही ना तो फिर आप कितों दान कर लवेंगे। इसलिए दान करके भी उस वाहिगुरु का होर शुकराना करना है कि वाहिगुरु जी तुसी मैनू इस योग बना दिता है ना, मैनू तो मेरी सारी जरूरतां तो पूरियां कीतियां नाल नाल मैनू दान करन जोगा बना दिता तो मेरा शुकराना उस तो भी वध होना चाहिए। तो जिन्ना जिन्ना शुकराना होगा जितना जितना शुक्र करता जाएगा उतनी उतनी तेरी चोलियां रहमतां नाल भरदियां जाएंगियां, ये यकीनन है। इसलिए गुरु पातशाह ये आदेश उस अकाल पुरख वालों होया ते गुरु नानक पातशाह ने ये आदेश सारे जगत को सुनाया ते समझाया ते करवाया है। असी ना मनीए वो साडी मदभागता होगी। जे इसनों कोई दुनिया का कोई भी बंदा, हिंदुस्तान की गल नहीं दुनिया का कोई भी बंदा जे इस आदेश को पालन कर लेता है, त्रिरत्न सिद्धांत की है ना, किरत करो नाम जपो ते वंड छको, तो कहते वो समझ लो विश्व कल्याण दे विच अपना कुछ ना कुछ योगदान पा जाएगा, अपना जीवन तो सफल कर ही कर जाएगा। वो विश्व कल्याण केवल अपने समाज का कल्याण नहीं विश्व कल्याण विच उसका कुछ ना कुछ योगदान जरूर अपने आप पै जाएगा। एक बड़ी प्यारी घटना है इतिहास विच एक साका आता है, ध्यान देना सा संग जीओ। इतिहास विच एक साका आता है फरकुशियर के हुक्म नाल वक् वक् उम्र के चार सिंह बंदी पा दिता गया। चार वख-वख उम्र के सिंह बंदी बना लिया गया, कैद पा दिता गया। कहते चार दिन लगातार उन्होंने भुख्या रखा गया। चार दिन तक उन्होंने एक नवाला एक ग्राही नहीं दी गई, पानी की घुट नहीं दी गई, चार दिन तक उन्होंने भुखा रखा गया। फिर की होया उस तो बाद फिर दो रोटियां उन्हें अगे दे दित्तियां गई, दो रोटियां जिहड़ियां ने वो उन्हें अगे मतलब सुट दित्तियां गई, उन्होंने अगे दो रोटियां सुट दित्तियां गई चार दिन तो बाद। ध्यान देना कहिंदे ने कुछ चिर तां वो दोवें रोटियां एवें पईयां रहियां, किसी ने उस वल तकिया ही नहीं। फिर की होया जो उन्हां विच सब तो बुजुर्ग सन किसी उन्हां वल हाथ नहीं वधाया, फिर उन्हां चौहां विच उन्हां चारां विचों जिहड़ा सब तो बिरध सी उसने वो दोवें रोटियां चुक के सब तो छोटे बालक अगे धर दित्तियां ते कहा बेटा ये तू चक लै। बालक ने अपने अगों चुकियां ते नौजवान सिंह अगे लिया तरियां ते कहा मैं तां छोटा हाँ अजे लड़ नहीं सकदा, तुसी लड़ सकदे हो ये तुसी छको तां जो तुसी तकड़े हो के लड़ सको। नौजवान ने वो चुकियां ते अधकड़ वीर अगे जो उस तो वड्डी उम्र दा सी ओदे अगे कर दित्तियां कि वीरे तू खा लै इसनों, मैं अजे चार दिन होर कढ़ सकदा हाँ, कृपा करके ये तुसी चक लो। उसने अपने अगों चुक के बुजुर्ग बाबे अगे रख दित्तियां ते बेनती की बाबा जी असी सारे अजे जिउंदे रह सकदे हाँ, तुहाडा शरीर समय ते ने निर्बल कर दिता कमजोर कर दिता है, कृपा करके ये प्रशादे तुसी चक लो। बिरध बाबे ने दोबारे वो रोटियां बालक दे अगे धर दित्तियां ते कहा बेटा तू साडे भविख दी आस है, तू ये प्रशादे चक लै ते साडे भविख नूं उजला बुण दे। पर बालक फिर भी वो रोटियां चकण लई तैयार ना होया, अंत सब ने अद्धी अद्धी वंड के चक लई ते अकाल पुरख दा शुकराना कीता। ये साका इक्के वेले साडे इतफाक दी मिसाल है, साडे आचरण दी मिसाल है, स्वार्थहीनता दी मिसाल है ते वंड चक्कण दी बड़ी प्यारी मिसाल है। तो सत्संग जो सानूं ये सिखाया गया है साडा इतिहास इतना कीमती बेशकीमती है, असीं उस विरसे दे हाँ पर असीं भुल जांदे हाँ, हर चीज़ का गुमान कर लेंगे हाँ, असवर्ण चक्कर की साड़ी बाती ही खत्म हो गई है। सोचते हैं जितना मर्जी संग्रह कर लिए वो इकट्ठे कर ले, पता है यकीन किसी ने कुछ भी साथ नहीं जाना, जो वंडिया हुआ है वो तो फिर भी साथ चलिया जाएगा, जो वंड के छकिया है ना वो जरूर नाल चला जाएगा, क्योंकि वो तो हर चीज़ ने वैसे भी मल्टीप्लाई होकर मिलना है, चाहे माड़े कर्म करिए चाहे चंगे कर्म करिए मल्टीप्लाई होकर वह फल मिलना है। तो वह दान भी टिमका कहते किसान भी एक बीज बीजता है ना, एक बीज नाल किन्नी फसल तैयार होती है, कोई रुख भी बनता है तो उसकी कितनी फसल किन्ने साल चलती है। इसलिए ये निक्किया निक्किया चीज़ा छोटे छोटे प्रयास जारी रखांगे उसके नाल जो है साडा ते जीवन सफल होगा, साडे समाज साडे किरदार दे नाल जो है एक प्रेरणा दूजियां नूं भी आपां दे सकांगे। वाहिगुरू मेहर करे बख्शिश करे, कोई कड़े प्यार दी हलीमी दी एक दी विश्वास दी
सच्ची सुची किरत करेंगी नाम जपणगी ते वण चढ़ेंगी साडी भी चोली विच पै जावे जिस सदके ये लोग सुखिए परलोक सुहिने नानक हर प्रभु आपे मिले दी अवस्था बन सके भुला चुका लिखी मां बख्शियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।